आज हम लोग या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे घरौंदे में हमारी महिलाएं रोज संघर्ष करती हैं, लेकिन एक महिला दिवस के अवसर पर हम लोग महिला लोग को सम्मानित करना चाह रहे हैं जो रोज संघर्ष करते हैं। तो हमारे घरौंदे से 20-25 जगह से लोग आए हैं, इसके अलावा हमारे सिलाई केंद्र के शिक्षिकाएं हैं। सम्मान हर महिला का है, लेकिन कुछ प्रतिनिधि के रूप से हम लोग उनको आज सम्मानित करेंगे। उनका योगदान को हम लोग आगे बढ़ाने को प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि बापूजी ने सही कहा, एक महिला के बिना घर का विकास नहीं होता है और एक महिला के बिना जीवन और परिवार अधूरा रहता है। तो महिला घर को बना सकती है और देश को चला भी सकती है अगर महिला को अवसर मिले। आज महिलाओं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अफसोस की बात है उनको मौका नहीं मिला जा रहा है, उनको प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा। तो आज इन लोग को प्रोत्साहित करके हमारी यही उम्मीद और आशा है कि आने वाले कल हमारी बच्चियों को भी ये शिक्षा मिले। हमारी बच्चियों घर से बाहर निकलकर सशक्त होकर अपना सपना को साकार करके इस धरती पर और इस समाज में अपना भूमिका सही तरह से निभाएंगे। और इसका योगदान माताओं का होता है कि कदम से कदम चलकर हमारी बच्चियों को मार्गदर्शन देना, उनको सहेली बनाना और उनके लिए एक नया बिहार या एक नया समाज, नया दुनिया की कल्पना करना। कितने लोगों को सम्मान दिया जा रहा है? 40 महिलाओं को हम लोग आज सम्मानित करेंगे फूलमाला पहनाकर। पिछला साल हम लोग ने सबको तोहफा दिया, इस साल हम लोग फूलमाला के माध्यम से, और हम कहना चाह रहे कि हम अपनी बहनों को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि अब से हम देखते हैं कि महिलाओं के जीवन में बहुत परिवर्तन आया है, पहले जैसा नहीं है। तो हम लोग अभी शोषण के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग नेगेटिव बात नहीं करेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि हमने योगदान कितना दिया समाज में। ये अलग सी बात है कि हमारा योगदान न सरकार देख रही है न समाज देख रही है, लेकिन हमें अपना योगदान देना ही होगा और आगे बढ़ना। किन क्षेत्रों की महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है? हम लोग वार्ड नंबर 9 से हज भवन के पीछे सगड़ी मस्जिद, ऑफ पोलर रोड से कौशल नगर, फिर हम लोग स्टैंड रोड, बीपीएससी, नवकोटिया, हाँ जहाँ भी हम लोग कार्यरत है। हम लोग 25 स्लमों में काम करते हैं, कम से कम 15 नगर निगम वार्ड में हम लोग कार्यरत है, और हमारा यही सपना है कि आने वाला कल हमारी बच्चियों के साथ ये ना हो जैसा हमारी बहनें ने ठोकर खा रहे हैं। नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ डॉर्टी फर्नांडिस, आश्रय अभियान के निदेशक का सचिव। क्या नाम हुआ आपका? मिंता देवी। सम्मानित हो रही हैं आप लोग? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। तो योगदान आपका समाज में? हमारा समाज में ही है कि जो अति समाज लेकर के चलते हैं। हाँ, उर्मिला देवी नाम है। उर्मिला देवी नाम है। सम्मानित हो रही हैं आप? ठीक है। कौन सा कार्य किए हैं समाज के लिए जो आज संस्था आपको सम्मानित कर रही है? हम लोग हैं आश्रय अभियान के संस्कृति, और हम लोग के मैडम मने बहुत मने हम लोग के पीछे लड़ रहा है। हम लोग के ऐसा नहीं, 5 साल पहले से लड़ रहा है, झोपड़ी के टूट गया तब से भी लड़ रहा है मकान के लिए। हमको मकान थोड़ा मिल जाए वही बहुत अच्छा है, वही लगी। क्या नाम बताइए? उर्मिला देवी। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।